हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े आपके पास, वो आपके पास थे कि किसी पॉइंट पर क्वांटिटी चेक करनी, या आपके पास किसी इंटरवल में चेक करना, या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस निकालना आपके पास। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे हम आपके पास, क्वेश्चन चेंज करेंगे पर देखें कि आपको आपके पास किसी पॉइंट पर क्वांटिटीस दे दिया जाएगा और कुछ अननोन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन या अननोन क्वांटिटीज को हम ज्ञात करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, देखो बस क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो आपको एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है ए और बी के मध्य, ये दो आपके पास है ए और बी। इस प्रकार से इन दोनों के मध्य संबंध ज्ञात करना है कि आपके पास जो फंक्शन एफ है, जो कि इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन, कब, जब एक्स का मान 3 या 3 से कम होता है, और एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस 3, जब एक्स का मान 3 से अधिक है। ये दे दिया गया है कि अगर ये संतत है एक्स बराबर 3 पर, तो उस टाइम पर ए और बी के मध्य क्या संबंध होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब जो दिया हुआ है उसके आधार पर हमको पास देखो कंडीशन क्या है। तो हमें दिया होगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। ये हमें ज्ञात है कि एक्स बराबर 3 पर संतत है। अगर ये एक्स बराबर 3 पर संतत होगा तो कंडीशन क्या होने वाली है, इसका सीधा सीधा अर्थ है यानी एफ 3 की वैल्यू जो होगी वो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स के बराबर होगी। ठीक, यानी बिंदु एक्स बराबर 3 पर जो फलन का मान होगा वही क्या होगा, उसकी लिमिट का मान भी होने वाला है। ये हमने पढ़ा आपके पास। ठीक, और लिमिट का अस्तित्व होने का मतलब हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू, अब लिमिट का अस्तित्व होगा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड। तो जो दे दिया गया है वो उसके आधार में, इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके आधार में कैसे, यानी ये आपको ज्ञात होगा आपके पास। एफ एक्स इस पर हम लिखेंगे यानी एफ एक्स की वैल्यू 3 पर, ये हमें दे दिया गया है। तो ये हम इसका यूज़ करते हुए हम एक रिलेशन ज्ञात करने वाले हैं ए और बी के मध्य। ठीक, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किन्हीं भी दो को ले सकते हो, तो मैं इन दोनों लिमिट को निकालूंगा केवल आपके पास। ठीक, तो मैं निकाल रहा हूँ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों निकालूंगा और उन दोनों को इक्वल रखूँगा तो मुझे ए और बी के मध्य संबंध ज्ञात मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ज्ञात करता हूँ, जैसे कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, इसका अर्थ है एक्स का मान 3 से कम है, लेस देन 3 है, और 3 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब अग्रसर है, 3 की ओर बढ़ रहा है। तो इस टाइम पर आपके पास अगर एक्स का मान 3 से कम होगा तो सबसे पहले देखो फंक्शन क्या होगा, 3 से कम ही आ रहा है तो फंक्शन क्या रहा होगा, ए एक्स प्लस 1, और इस पर लिमिट कैसे निकालते, सीधे एक्स के स्थान पर रख देंगे 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू 3 प्लस 1, यानी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट मिली, मुझे प्राप्त हो रहा है लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू हो गया 3 ए प्लस 1, तो ये मुझे पहला भाग प्राप्त। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऐसे में क्या निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात करूंगा आपके पास इसी प्रकार से, जैसे ये था ना बस उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, अब राइट हैंड लिमिट देखो कैसे निर्दिष्ट करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, इसका अर्थ है एक्स की वैल्यू जो है वो 3 की ओर टेंड कर रही है, मतलब अग्रसर है, उसकी तरफ बढ़ रही है, पर कहाँ से, लेफ्ट से अब राइट साइड से हो गया, अब कहाँ से, मतलब एक्स की वैल्यू 3 से अधिक थी, क्या है ग्रेटर देन 3 थी, अब क्या 3 की ओर अग्रसर हो गई, यानी आपके पास राइट से लेफ्ट आपके पास 3 की ओर जा रही है संख्या रेखा पर। तो उस टाइम पर फंक्शन आपके पास दिया हुआ था वो था बी एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3 यानी एक्स का मान 3 से अधिक है, तो उस टाइम फंक्शन ये, तो जब वैल्यू निकालो तो हो रहा है 3 बी प्लस 3, ये मिला लेफ्ट हैंड में, ये राइट हैंड में ये। तो अब क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि वो फंक्शन एक्स बराबर 3 पर संतत है, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, दोनों सेम आपके पास। ठीक है, सेम एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, तो इसका अर्थ हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ। तो ये दोनों मान बराबर, मतलब आपके पास पहले प्राप्त हुआ था 3 ए प्लस 1 इक्वल टू 3 बी प्लस 3, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसके आधार पर हम जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो बस ईजिली मिल रहा है, ये हो जाएगा 3 ए माइनस 3 बी इक्वल टू 2,
तो यानी ए माइनस बी इक्वल टू ए 2/3, तो मुझे प्राप्त हो रहा है ए बराबर बी प्लस 2/3। तो ये वो संबंध है ए और बी के मध्य जिसके लिए एक्स बराबर 3 पर फलन क्या हो गया, संतत हो चुका है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा बस आपके पास क्वेश्चन आपके पास है, तो आपके पास बस दे दिया गया है कि एक्स बराबर 3 पर संतत है, तो इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 पर संतत होने का अर्थ क्या है, यानी 3 पर फलन का मान और लिमिट का मान बराबर था और लिमिट का अस्तित्व भी रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लिमिट के अस्तित्व के हिसाब से ही आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों को बराबर ले लिया और आपके पास संबंध प्राप्त हो गया ये आपके पास। ठीक, तो ये वो संबंध है जिसके अनुसार ये फंक्शन के लिए एक्स बराबर 3 पर ये क्या हो गया, संतत हो गया आपके पास। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए मैं आपको ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो एक जैसे आपके पास है उनको एक साथ बता दे रहा हूँ। जैसे उनके 17वां बताया, वैसे एक 26वां क्वेश्चन भी आपके पास है। इसमें भी हमको फंक्शन दे दिया गया है कि एक्स बराबर पाई बाय 2 पर क्या ये जो फंक्शन है ये संतत है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, ध्यान देना ये एक्स बराबर पाई बाय 2 कॉन्टिन्यूस है। तो आपको इसमें आने वाला जो ये के है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, के की। तो क्या सीखेंगे, करेंगे जो कंडीशन हमको मालूम है कि वही कि फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर संतत है यानी कॉन्टिन्यूस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और जो लिमिट की वैल्यू की दोनों सेम होंगी, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हुआ। देखो जैसे इससे पहले वाले में क्या मैंने कहा सॉल्यूशन, तो देखो भगवान क्या दिया हुआ है, सेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर वाई बाई टू। ये दे रखा पाई बाय टू पे संतत है, तो इसका अर्थ हो जाएगा देन एफ थ्री की जो वैल्यू होगी, मतलब एफ पाई बाय टू की, सॉरी यहां पर पाई बाय टू, पाई बाय टू का जो मान, मतलब पाई बाय टू पे जो फलन का मान होगा वो किसके बराबर होगा, लिमिट का मान के बराबर। ये हो जाएगा एफ एक्स, ये होना चाहिए। और आपको मालूम है कि ये अगर पाई बाय टू एफ एक्स जो है उसमें लिमिट का अस्तित्व हुआ है तो अनिवार्य से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर रहेंगे, यानी एक बार एफ पाई बाय टू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस एफ एक्स। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट लिमिट। और अब मुझे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन का जो मान होगा वो और जो लिमिट का मान होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखा कि उस पॉइंट पर क्या है, संतत है, इसका यूज़ करना है। तो आप एक पाई बाय टू पे मान और इन दोनों में से किसी भी एक लिमिट को निकाल लीजिए तो आपके पास इजीली क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास के का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ पाई बाय टू का मान, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू फंक्शन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं एक्स बराबर पाई बाय टू पर, यानी एफ पाई बाय टू लिखते हैं इसको। और ये सिंपल दे दिया गया है, जब एक्स का मान पाई बाय टू तो फंक्शन का मान क्या है, 3। तो ये मुझे प्राप्त हो चुका है पहले से। ठीक है, आपके पास मैंने उस बिंदु पर फलन का मान निकाल लिया। अब चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड निकालो, दोनों में से कोई भी लिमिट निकालो, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करूंगा आपके पास। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं आपके पास। तो अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ आपके पास, ठीक है, माइनस की साइड से बस। ठीक है, तो माइनस की साइड से कर रहा हूँ बस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ। तो हमें करना क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो आपको दे दिया गया है कि फंक्शन की वैल्यू जब भी एक्स का मान पाई बाई टू नहीं है, चाहे वो उससे अधिक हो चाहे उससे कम हो, फंक्शन है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। तो इस हिसाब से इसके लिए भी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस, मतलब एक्स का मान पाई बाई टू से कम है और पाई बाई टू को और बढ़ रहा है, यानी अग्रसर यानी टेंड्स कर रहा है पाई बाई टू की ओर। तो फंक्शन दोनों केसेस में, चाहे वो पाई बाई टू से अधिक हो चाहे पाई बाई टू से कम हो, दोनों केसेस में सेम फंक्शन आएगा के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। ये इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन था, इस पर हमको इसकी लिमिट निकालनी है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे देता क्या होता, कॉस पाई बाई टू यानी जीरो, और नीचे भी देता पाई बाई टू तो टू से टू कैंसिल पाई माइनस फाइव, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म होता। तो यहाँ पर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे, ध्यान देना, जब भी वो अपरिभाषित फॉर्म में होता ना तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते। अब इसको क्या करेंगे हम, बाय सब्स्टिट्यूशन करने वाले, मैंने यहाँ पर रख दिया पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच। मैंने कहा भाई एक्स का मान पाई बाई टू से कम है, पर कितना कम है, एच कम है, कितना एच कम है,
तो अगर मैंने इसमें ये वैल्यू रख दिया एक्स के स्थान पर, तो अब क्योंकि मैं नया वेरिएबल एच यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लिमिट भी नए वेरिएबल के हिसाब से, देखो एक्स टेंड्स टू अगर पाई बाय टू होता है तो सीधे सीधे देन एच टेंड्स टू कहाँ होगा, जीरो होने वाला है, कहाँ की तरफ जाएगा, जैसे जैसे एक्स का मान पाई बाय टू की ओर जाएगा तो एच का मान कहाँ होगा, जीरो। तो मतलब नए वेरिएबल के हिसाब से लिमिट क्या हो जाएगी, वो एच कहाँ की तरफ जाएगा, जीरो की ओर। तो ये फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जो अभी तक लिमिट निकालने वो कुछ ऐसा होगा, देखो लिमिट। अब मैं नया वेरिएबल एच के हिसाब से जब मैं देखूंगा, तो एक्स का मान अगर पाई बाय टू की ओर टेंड कर रहा है तो एच का मान कहाँ की ओर है, जीरो, तो ये हो जाएगा एच टेंड्स टू जीरो। और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर कहना है पाई बाय टू माइनस एच, तो ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ के कॉस पाई बाय टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू माइनस एच, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बस, ठीक। अब मुझे मालूम है फॉर्मूला क्या है, कॉस पाई बाय टू माइनस एच इक्वल टू होता है साइन एच, तो यहाँ पर साइन एच हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए यहाँ पर हो जा रहा है के साइन एच अपॉन। अब इसको जब सिंपलीफाई करो तो टू से टू कैंसिल, तो पाई माइनस पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस टू एच, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। इसमें एच पर आधारित जो है वो केवल ये एच वाला भाग है, बाकी के अपॉन टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो के अपॉन टू एच से स्वतंत्र मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच। तो आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है, वन। तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपके पास थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स, उसकी वैल्यू लीजिए, ये तो हो जाएगा वन, यहाँ पर आएगा के अपॉन टू इंटू वन यानी के अपॉन। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ली है और उस बिंदु पर फलन का मान भी निकाल लिया है। तो जो आपके पास, अब थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना, अब मैं दोनों जो चीज़ों की आवश्यकता है वो मैंने निकाल ली है, वो तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालेगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए उन सब में मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। अभी क्यों नहीं किया मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट मान रखने पर लिमिट का कोई पारिभाषित मान मिल रहा है, कहीं पर जीरो भी मिल रहा है वो भी सही है, पर जब मैं इसमें डायरेक्ट पाई बाय टू रखता हूँ ये होता है जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म, तो जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म नहीं आनी चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे करेंगे, नया वेरिएबल यूज़ करेंगे एक्स टेंड्स टू अगर पाई बाय टू, तो मैंने मान लिया एक्स का मान पाई बाय टू से कितना कम है, एच कम है, तो इसलिए मैंने एक्स के स्थान पर क्या रख दिया, पाई बाय टू माइनस एच रख दिया। अब क्योंकि नया वेरिएबल यूज़ हुआ है तो नई लिमिट आएगी, अगर एक्स का मान पाई बाय टू की ओर अग्रसर है तो आपके पास एच का मान कहाँ की ओर जाएगा, जीरो की ओर। तो अब इसको सॉल्व किया मैंने, इस फॉर्मूले का यूज़ किया, तो ये आ रहा था साइन एच अपॉन एच, ठीक। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी थी, वन, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, के अपॉन टू। अगर ये के अपॉन टू मुझे प्राप्त हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, देन हमें मालूम था एफ थ्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स, तो ये दोनों मान तो मैंने निकाल लिए हैं। इसका मान था आपने कैलकुलेट किया था, आपके पास दिया हुआ था कि सॉरी पाई बाय टू है, पाई बाय टू पर फलन का मान था थ्री और इसका मान है के अपॉन टू। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है इससे, मुझे प्राप्त हो गया के बराबर सिक्स, तो ये आपके पास आ रहा है के की वैल्यू सिक्स। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आपके पास आ चुका है आपके पास, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कर क्या रहे हैं, आपके पास किसी पॉइंट पर हमको दे दिया गया कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। जब कॉन्टीन्यूअस है तो उसका अर्थ क्या है, उस बिंदु पर फलन का मान और साथ में उस बिंदु पर लिमिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होने वाले। तो उसी का यूज़ किया मैंने इस केस में, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, चाहे तो आप राइट हैंड लिमिट भी लेते ना तो यहाँ पर प्लस हो जाता, प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस आता ना, तो यहाँ पर प्लस करने पर यहाँ पर माइनस टू एच बचता और ये बचता साइन माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, बाकी इतना ही रहना था उसमें भी के अपॉन टू होना, ठीक। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर है एक पास 26वां, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है आपके पास, ठीक है, चार नंबर के हिसाब से आपके पास, ठीक। तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसी पे, ऐसा ही आधारित आपके पास है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 29वां आपके पास है, तो ये भी ऐसे ही आपके पास है, इसमें भी के ज्ञात करना है, जबकि दे देगा कि जो फंक्शन है ये क्या है, एक्स बराबर पाँच पर क्या है, संतत आपके पास, ठीक है। तो जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें आपके पास ए और बी के मध्य संबंध आए,
ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया उसमें हमने के ही ज्ञात किया है, अब बस वो क्या है साइन कॉस पे, कोई एक कॉस पर आधारित आपके पास, ठीक। और जो ये बता रहा हूँ पास वो आपके पास एलजेब्रिक फंक्शन टाइप का आपके पास, ठीक है। तो आपके पास दे रखा है कि ये के एक्स बराबर पाँच पर क्या है संतत, तो इसका अर्थ क्या है देखो सॉल्यूशन में देखिए, आपके पास दिया हुआ है सेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू फाइव। अगर ये x इक्वल टू फाइव पर संतत है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि f फाइव पर जो फलन का मान होगा वही लिमिट का भी मान होना चाहिए, यानी आपके पास होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू फाइव एफ एक्स। और इसको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूं तो लिमिट का ये लिमिट का जो मान होगा मतलब उसका लिमिट का अस्तित्व होगा, और लिमिट का अस्तित्व कब होता है जब लिमिट x टेंड्स टू फाइव माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू फाइव प्लस एफ एक्स, ये है ऐसा हो जाए। तो हम इस में से किसी भी दो का प्रयोग करते हुए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उनका, अब किसी भी दो का अर्थ आपके पास जो है आवश्यकता के अनुसार, आपके पास ऐसा नहीं कि आपने एक जैसा पद निकाल दिया और उससे एक k का मान निकालना संभव नहीं है। जैसे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता और k बराबर पाँच का मान निकालूँ तो इसी के जैसा मिलेगा, ठीक। तो आपके पास वो k पर आधारित मिलता है उसमें k निकालना संभव नहीं है, तो हमको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वही निकालेंगे। तो मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों निकाल ली। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ऊपर, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका यूज कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू फाइव माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू फाइव प्लस एफ एक्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि फाइव के सापेक्ष में परिवर्तन हुआ ना इस फंक्शन में, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको दोनों अलग अलग निकाल के ये इक्वल रख देना है। तो मैं एक साथ ही कर रहा हूँ दोनों, देखो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, लिमिट का x टेंड्स टू फाइव माइनस मतलब x का मान पाँच से कम है और पाँच की ओर बढ़ रहा है यानी अग्रसर है टेंड्स टू फाइव। तो उस टाइम पर फंक्शन देखिए जब x का मान पाँच से कम है तो कितना था के एक्स प्लस वन, और इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू फाइव प्लस x का मान पाँच से अधिक है यानी ग्रेटर देन फाइव था x, और कहाँ की ओर टेंड कर रहा है फाइव की ओर, तो x की वैल्यू पाँच से अधिक मतलब ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव। और आपको मालूम है लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे इस दोनों जगह, यहाँ पर भी x की जगह पाँच रखना है, यहाँ पर भी क्या रखना है, ऐसे नहीं कि माइनस पाँच, नहीं पाँच ही रखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा फाइव के प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा x की जगह फिफ्टीन माइनस फाइव, एक्स की जगह पाँच रखें ना तो पाँच थी पंद्रह, तो ये हो गया फाइव के प्लस वन इक्वल टू टेन, और यानी k बराबर हो जा रहा है, देखिए ये इधर आ रहा ना तो नाइन, ये माइनस हो जाएगा ना माइनस वन करेंगे तो नाइन अपॉन फाइव, तो नाइन अपॉन फाइव, तो ये k का मान प्राप्त हुआ नाइन अपॉन फाइव आपके पास, ठीक। तो क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, बस आपको करना क्या है कि जो उसका गुण है कि किसी बिंदु पर संतत कब होता है जब उस बिंदु पर फलन का मान और लिमिट का मान क्या हो जाए सेम, तो उस टाइम पर आपके पास संतत कैसे चेक करें वो मैंने आपको बता दिया आपके पास, ठीक। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है, अब थोड़ा आगे और चेंज करते हैं आपके पास, अब आपके पास जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना एलजेब्रा, आपके पास संतत फलनों का जो बीजगणित पढ़ा था उस पर आधारित प्रश्न आपके पास है। आपको इनके जो दिए हुए जो फंक्शन है एफ एक्स, जो तीन फलन दिए हुए बस क्वेश्चन में, जो ये तीन क्वेश्चन आपके पास तीन क्वेश्चनों में जो फंक्शन दिए हुए हैं तीन पार्ट्स में, हमको चेक करना है इनको, इनकी क्वांटिटी के बारे में हमको डिस्कस करना है, यानी हमको चेक करना है कि कौन संतत होंगे अथवा नहीं होंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए पर, तो जो हमको रिजल्ट्स मिले हुए हैं पहले से उनका यूज़ करना है। देखो आपको मालूम है सेंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये जो है आर बोथ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब मुझे मालूम है कि आपको पहले बता दें कि रिजल्ट के रूप में साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी त्रिकोण में फलन होते हैं वो अपने प्रांत में क्या होते हैं हमेशा संतत, तो ये आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हमेशा क्या है संतत फंक्शन, यानी आपके पास संतत फलन है यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो आपके पास क्योंकि दोनों संतत हैं और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई दो संतत फलन होंगे उनके लिए उनका योग अंतर वो गुणा क्या होगा वो भी क्या होगा संतत देना सेम, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लास्ट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी क्या होंगे, और ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अब ये कैसे कह दे रहा हूँ मेरे पास, आपने पढ़ा है, आपने देखो बस आपको बताया गया था कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन भी कहते हैं, या रियल फंक्शन आपके पास, ठीक है, या आपके पास क्या है, कोई आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आपके पास हैं, तो उसके लिए हमने पढ़ा था आपके पास कि इनके लिए आपके पास जो फंक्शन होंगे, जो इनके जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूप में जो फंक्शन आएंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस ही होंगे, हमने ये पढ़ा था आपके पास। तो इसी का यूज़ करते हुए मैंने पास जो हमने एलजेब्रा पढ़ा था ना उसके आधार पर ही आपके पास हमने ये आपके पास पढ़ा है आपके पास, तो उसका ही यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके पास, तो ईजिली आपके पास हम पता लगा लेंगे कि आपके पास ये जो दोनों फंक्शन हैं वो दोनों भी क्या होंगे, ये जो तीन फंक्शन दिए हैं आपके पास क्या हैं वो भी क्या होंगे, संतत होने वाले हैं आपके पास, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था आपके पास, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो संतत फलन है किसी बिंदु एक्स बराबर सी पर, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स भी क्या होते हैं, संतत होंगे। और यहाँ पर भी आपके पास वही हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है साइन एक्स और कॉस एक्स से मिलकर बने ना फंक्शन, आपको मालूम है साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमेशा संतत फलन होते हैं, तो इनका योग अंतर वो गुणा भी क्या होगा, संतत ही होने वाला है आपके पास। तो सिंपल सा आपके पास टॉपिक आपके पास ये था, उस पर आधारित आपके पास है, ठीक। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24 में, तो एक फंक्शन आपके पास दिया हुआ एफ, आपको पता लगाना कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं, यानी अपने अपने प्रांत में क्या है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि एक्स का मान जब जीरो नहीं है तो फंक्शन ये है, और जब एक्स का मान जीरो है तो क्या है, जीरो, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर जीरो होने और जीरो नहीं होने पर आपके पास फंक्शन चेंज हुआ है, तो इस हिसाब से आपके पास देखो, तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखो बाकी एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, यानी आपके पास यहाँ पर इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स जिसको हम लिखते हैं डी एफ इक्वल टू क्या सिंपली आर, ठीक है। तो ये पास ए आपके पास है, ठीक। तो आर आपके पास दिया हुआ है, तो मैं चेक करूँगा कि संतत है या नहीं। तो देखो अकबर, जब एक्स का मान जब जीरो नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों के लिए फंक्शन यही आपके पास है, ठीक। और ये एक साइन फंक्शन है और एक ये क्या है, कॉस फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, उस हिसाब से आपके पास क्या होगा, संतत देख आपके पास जब जीरो पे देख करेंगे तो उस हिसाब से जीरो के लिए तो ये आ जाएगा, पर जब उससे के लिए लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही आने पर, देखो किस प्रकार से। तो देखो फॉर एवरी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एक्स का मान जीरो नहीं, आप ऐसा ना लिखते, मैं लिख देता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब ये अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या होगा, संतत होगा, जीरो पर भी और जीरो के अलावा भी। देखो तो इसके जो केसेस हैं वो क्या बनते हैं, देखो केस फर्स्ट, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स क्या है जीरो हो जाता है तो उस टाइम पर क्या होगा, देखिए आपके पास तो एक्स बराबर जीरो के लिए मैं चेक करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा एफ जीरो की वैल्यू, तो एफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू दे रही कितनी है, जीरो, और जीरो पर जब मैं लिमिट निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, लिमिट, तो देखो लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये कैलकुलेट करना था, तो जीरो के साथ जीरो के चाहे कम हो चाहे अधिक हो उसके लिए दोनों के लिए लिमिट यही है, तो मैं सीधे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल चक्कर में पड़ते हुए डायरेक्ट वैल्यू निकालूँ, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन क्या है, जब भी जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है ना, तो जीरो की ओर से हो चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से, फंक्शन क्या आएगा, हमेशा यही आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स, साइन वन अपॉन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो गया जीरो इंटू साइन वन अपॉन जीरो। अब जीरो की एक क्वालिटी है कि अब उसके साथ कुछ भी गुणा हो जाए, हमेशा क्या था, हमेशा जीरो, तो लिमिट का मान भी कितना रहा, जीरो, तो मुझे प्राप्त हुआ एफ जीरो की वैल्यू थी जीरो, और वही क्या रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का मान भी, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे तो संतत हो गया।
अब जीरो के अलावा चाहे वो अधिक मान हो चाहे उसके अलावा कम कम मान हो, उन सब के लिए चेक करेंगे। तो ये था आपके पास जब x इक्वल टू जीरो था, x इक्वल टू कोई अन्य मान होगा, जब यानी x का मान जीरो नहीं है उसके अतिरिक्त। ठीक, अब दूसरा केस क्या है, एक तो मैंने जीरो पे तो चेक कर लिया, अब वो जीरो के अलावा कुछ और है, मतलब x का मान जीरो नहीं, मतलब x का मान c तो है, कुछ भी हो सकता है उसके प्रांत से, ठीक है, पर शून्य नहीं है, शून्य के अतिरिक्त। तो अतिरिक्त के लिए देखो फंक्शन आपके पास हो जाएगा, इस टाइम पर फंक्शन होगा, उसने क्या है कि जब x का मान शून्य नहीं तो फंक्शन था एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स, ये है। तो मैं उस पॉइंट सी पर चेक करूंगा कि वो आपके पास उसकी लिमिट और उसके जो फंक्शन की वैल्यू ना सी पर वो चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मैं चेक करूंगा सी पर, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स बराबर सी पर, यानी एफ सी का मान निकाल रहा हूँ, तो ये हो रहा है सी स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन सी, तो मुझे ये प्राप्त हो। तो सी पर मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई भी बिंदु ले लो आप सी, उस पर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने लिमिट को उसका फंक्शन की वैल्यू निकाली, और जब लिमिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो ये भी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इस टाइम पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और जब सी जीरो नहीं है तो उसके लिए फंक्शन दे रहा था एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स, और जब लिमिट की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ इस केस में तो ये भी आ रहा है सी स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन सी। तो आपने देखा कि लिमिट का मान और उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, एफ सी का मान जो आया वही मान किसका आ रहा था, लिमिट का मान भी प्राप्त हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, यानी ये अब जीरो के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर भी क्या है, संतत है। तो हम कहेंगे सो आपके पास एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एट एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, यानी जो फलन एफ है वो क्या है, एक संतत फलन है अपने प्रांत में, जितने भी बिंदु आपके पास होंगे वो सब क्या है, उन सब पे प्रांत पे, ठीक। तो ये आपके पास है, आपके पास कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर किसी अंतराल में, ठीक। इसमें आपके पास एक परमे रह गई आपके पास, वो गॉफ और फॉग पे आधारित है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना, और उसके आधारित क्वेश्चन भी बताऊंगा आपके पास, ठीक है। तो आपको इसके क्वेश्चन अब तक जो हमने कर लिए आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 30 तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो आगे जो आएंगे वो सिंपल से हैं, वो गॉफ और फॉग की जो प्रॉपर्टी है उस पर आधारित होंगे, तो आप इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 30 तक ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 30 तक कर लेना आपके पास, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपके पास, ठीक, ओके।